नमस्कार, मध्य प्रदेश की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। भोपाल में गणेश विसर्जन के दौरान हुए हादसे में 11 युवकों की डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनको ढांढस बांधा था। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए का चेक दिया और इसके साथ ही एक आवास के साथ परिवार के एक सदस्य को नगर निगम में नौकरी दिलाने का वादा भी किया था। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपना 1 माह का वेतन बाढ़ पीड़ितों को देने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर शिवराज ने कहा है कि प्रदेश में रेत को लेकर खूब लूट मची हुई है और तो और कलेक्टर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बंधक बना रहे हैं। प्रदेश में शासन की मनमानी के चलते दिक्कतें बढ़ती जा रही। वहीं खटलापुर कांड पर मुख्य सचिव SR मोहंती के बचकाने बयान पर कहा है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है जिससे जांच पूरी तरह से प्रभावित हो, लेकिन मैं प्रदेश के विकास के लिए कभी चुप नहीं बैठने वाला। बीजेपी के कद्दावर नेता और वर्तमान भाजपा विधायक नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। सरकार लगी है रेत के खेल में। मुझे बताओ कोई मुख्यमंत्री या मंत्री एक हाथ गया किसान के खेत में? मूंग, उड़द, सोयाबीन जैसी अनेक फसलें अतिवृष्टि से बर्बाद हो गई और हुजूर आला एयर कंडीशन में बैठकर ख्याली पुलाव जनता को दिखा रहे हैं, कभी निवेश के कभी अन्य। पूरे किसान त्राहिमाम त्राहिमान कर रहे हैं, पर सरकार को किसान को किसान की बिल्कुल चिंता नहीं है। शहर में 2023 तक मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मेट्रो रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। CM ने इंदौर भोपाल के विस्तार पर बल देते हुए कहा कि हमें मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर इन शहरों को बढ़ाना होगा, जिससे इनका भार कम हो जाए। हमें आगे इंदौर को मेट्रो के जरिए उज्जैन और पीथमपुर को भी जोड़ने की दिशा में काम करना होगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मेट्रो के कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर गया था, उस समय केंद्र में मंत्री था। यहां मेरे मन में विचार आया कि मध्य प्रदेश में मेट्रो को लेकर कोई चर्चा क्यों नहीं है। इसके बाद लौटकर मैंने उस समय भाजपा सरकार में मंत्री रहे बाबूलाल गौर से भोपाल और एक अन्य शहर के लिए मेट्रो की DPR बनाने को कहा था। इस पर उन्होंने कहा कि इस पर काफी खर्च आएगा। इस पर मैंने कहा कि खर्च की चिंता ना करें। इसके बाद DPR बनी, लेकिन अब तक वे कागज वहीं दबे रह गए। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आने पर मैंने मंत्री जयवर्धन सिंह से इस काम को करने को कहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में बाढ़ का कहर जारी है। मामला चोपना थाना क्षेत्र के भंडागा का है, जहां नदी में बहे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा था। उसी दौरान प्रशासन की मौजूदगी में एक युवक के द्वारा नदी पार करने पर अपना संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते नदी में वो बह गया, जिसकी खोजबीन के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। रेस्क्यू के दौरान तहसीलदार मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन और लोगों की सजगता से नदी में बहे व्यक्ति को बचाया जा चुका है, दूसरे की तलाश जारी। भिंड के लहर क्षेत्र में प्रशासन द्वारा छापेमारी करके एक दुकान से भारी मात्रा में सरकारी गेहूं की बोरियों को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन को सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में गेहूं की बोरियों को दुकान में मौजूद हैं, तभी प्रशासन ने दुकान पर छापेमारी की और गेहूं की 442 बोरियों को बरामद कर लिया। ये सारा गेहूं काला बाजारी के तहत खरीदा गया था। वहीं दुकान का मालिक कोई भी जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद प्रशासन ने सभी बोरियों को जब्त करते हुए दुकान को सील कर दिया और कृषि उपज मंडी द्वारा इसे पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। निर्देश दिए गए थे कि अवस्थी डेटा बहुत खराब है, ये शिकायत मिली है कि सरकारी अनाज को खरीदा जा रहा है, तो उसके अनुक्रम में मैं अपने दल को सूच लेकर यहाँ पे आया तो 442 बोरी गेहूँ यहाँ पे, जो कि सरकारी कृषि उपज, ये पूरी मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के बारदाने में पैक है।
इस स्थिति में मैंने पूरी दुकान सील की है और ये पूरी दुकान सीलिंग के उपरांत सारा रिकॉर्ड कृषि उपज मंडी के लोगों को सुपुर्द किया है। अग्रिम जांच में देखा जाएगा कि ये जो 442 बोरी गेहूँ और अन्य माल जो है जो मध्य प्रदेश स्टेट कवरेज बोरी में किस तरह आया है, सरकारी उपज है या किस तरह से, इसकी गहन जाँच की आवश्यकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार व्यापार न्यायालय के बिरसिंहपुर पाली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें न्यायाधीश श्री विकास शर्मा ने आपसी राजीनामा योग्य मामलों में 15 मामलों का निराकरण किया है। वहीं एक पिछड़े परिवार को भी एक किया है। साथ ही इस अदालत में 153 मामले रखे गए थे, जिसमें 15 केसों का निराकरण कर 27,800 रुपये का अवार्ड पारित किया गया है। पति पत्नी के अलगाव का प्रकरण था, जिसमें भरण पोषण का मामला था हीराबाई बनाम सिरसू बैगा के बीच में, तो इसको भी माननीय न्यायालय के सहयोग से उनके बीच में समझौता आपसी राजीनामा करवाया गया, एक परिवार को एक किया गया, जिसमें दोनों पति पत्नी जो वर्षों से अलग रह रहे थे दोनों को एक करने का काम न्यायालय के सहयोग से संभव हो सका। मंडला के बंजर में भयानक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। इतना ही नहीं, युवक ट्रक के चक्के में फंसा रह गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने रोड में हंगामा कर दिया। सूचना पाकर पुलिस बल मौके पर पहुंचा, मामले की शांत करवाया, साथ ही शव को मोर्चरी में रखा गया है, जहाँ कल सुबह शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। क्षेत्र में एक एक्सीडेंट की घटना हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल चालक पुनीत, पिता जुगल किशोर टांडिया, उम्र 18 वर्ष, बमली का ही रहने वाला, जबलपुर तरफ जा रही ट्रक क्रमांक MP20HB1040 से उसका एक्सीडेंट हुआ है, जिससे घटना स्थल पे मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु हो गई है। अपराध पंजीबद्ध कर शाहजहांपुर जिले में पिछले कुछ समय से लगातार बारिश का दौर चल रहा है, जहां बारिश से लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं शाहजहांपुर नगर में निचली बस्तियों में चिल्लर नदी का पानी घुसने से निचली बस्ती खाली करवाई गई है। वहीं जिले भर में सभी नदी नाले उफान पर हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश से कई लोगों के मकान में पानी घुस गया है। वहीं कच्चे मकान धराशायी हो गए। इतना ही नहीं, कई जगह पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। हम आपको बता दें कि जिले के बेरछा एवं मोहन भदौड़िया में हाल ही में दो युवकों की डूबने से मौत हो चुकी है। दमोह जिले के पथरिया सदगुवा में एक नया मामला सामने आया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर पुष्पेंद्र त्रिपाठी को भले शासकीय पेमेंट मिलता हो, लेकिन वो सरकारी अस्पताल से ज्यादा अपनी निजी क्लिनिक पर समय बिताते हैं। आपको बता दें, जब इसकी खबर पथरिया विधायक को लगी तो उन्होंने न केवल डॉक्टर को फटकार लगाई, बल्कि क्लिनिक पर मिली सरकारी दवाओं को भी जब्त किया और विधिवत कार्रवाई की चेतावनी भी दी। दोनों तरफ से पैसे, आपके जो डॉक्टर हैं सदुमा में पदस्थ, इनका काम डेली सदुमा का जाने का है। उधर लोग भटकते हैं तो पथरिया दम हो जाते हैं, और ये अपनी पढ़ा लिखा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं, ना मुझे कोई लेना देना कि कल आप क्या। एमपी में पिछले दिनों दुर्गकोंदल थाना क्षेत्र के कोड़े में हुई दादू सिंह कोठरिया की हत्या का मामले पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, जिसमें जिला पुलिस के आला अधिकारी शामिल हैं। इनके अलावा जांच में शीघ्रता लाने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री एल ध्रुव ने आरोपियों की जानकारी देने वाले को 50,000 का नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी करी है। कंकोर जिले के बेचाघाट की कोठरी नदी उफान पर है। नदी के उस पार लगभग 70 गांव आश्रित हैं, जहां लोगों को अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए उफनाती नदी को पार करके जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज़ादी के 73 साल बाद भी अब तक कोठरी नदी पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है। नदी के उस पार किसी प्रकार की इलाज की सुविधा तक नहीं है, जिसके चलते लोगों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से
इसी नदी पर नाव पलटने से 7 लोग बह गए हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किलों से स्थानीय लोगों द्वारा बचाया गया था। फिलहाल सभी लोगों ने सरकार से पुल निर्माण कराने के लिए गुहार लगाई है। परीक्षण था हम लोग के, हाय अभी अभी 7 लोगों को पलट गया था, हवा से उन लोग को पानी डाल दिया डोंगा में, उसमें वो पलट गया आदमी। बरसात में हमको बहुत परेशानी होती है बाजार हाट आने जाने की, और बीमार तकलीफ होने से आने जाने की, डॉक्टर इलाज करने के लिए अनेक परेशानी होती है। तो आपके नदी के उस पार कोई स्वास्थ्य विभाग की सुविधा है? नहीं है, इस पार आने में हमको नाव की सहारा से जान को जोखिम में डाल के ही हमको आना जाना होता है। मध्य प्रदेश के शामगढ़ जिले में 2-3 दिन से लगातार भारी बारिश के चलते नदी नाले सभी उफान पर आ गए हैं, जिसके चलते पानी क्षेत्र के कई गांवों में भर गया है। वहीं पानी के चलते लोगों को मजबूरन अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। आपको बता दें, शामगढ़ भानपुरा में सुबह से ही हालात खराब होने के साथ साथ जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इतना ही नहीं, भारी बारिश के चलते कच्चे मकानों को भारी नुकसान हो रहा है, जिसके चलते शामगढ़ पुलिस की लोगों से उफनाते पानी को पार करने की हिदायत दी है। विभागों को, श्रीमान तहसीलदार महोदय को, सिंचाई विभाग वालों को भी खबर की गई है। नगर परिषद के CMO और उनके सहायक जो है उपाध्याय, उनको भी खबर की गई है। और पुलिस वालों के, पुलिस कर्मचारियों के साथ और नगर के जो सम्मान व्यक्ति हैं, उनसे भी हमारे द्वारा अपील की गई है कि वो ऐसे स्थानों पर ना जाएं। हमारे गांव में स्थिति है कि घर मकानों में पानी घुस गया, घर है, ये देख लो, इधर देखो, इधर इतने पानी में खड़े घरों में, किनके पानी घुसा है घरों में? नैन सिंह जी, पिता का नाम किशन सिंह जी। किस वजह से पानी घुसा है इनके घरों में? पानी ये नाला की वजह से RCC बनी हुई है, तो RCC बन गई है, तो इधर पानी नहीं मार पा रहा, तो इधर जा रहा है, इधर घर में घुस गया। राजगढ़ जिले में फसलों के बर्बाद होने के कारण किसान बहुत परेशान हो चुके हैं, जिसके चलते किसान शिवराज सिंह चौहान को याद कर रहे हैं। जिले के लीमा चौहान गांव के एक किसान ने क्षेत्र में हुई अफलन की स्थिति से परेशान हुए किसानों का दर्द गीत के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज के सामने रखने का प्रयास किया। आपको बता दें, प्रदेश में कमलनाथ सरकार सत्ता में किसानों की कर्ज माफी की बात करके सत्ता में तो आ गई थी और ऊंट के मुंह में जीरे का समान कर्ज माफी भी की, लेकिन सोयाबीन व गेहूं का बोनस नहीं दिया गया, जिससे किसानों के मन में कमलनाथ सरकार के प्रति असंतोष है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से किसानों ने अपनी पीड़ा शिवराज सिंह चौहान के समक्ष रखी है व पुनः प्रदेश में सत्ता संभाल किसानों का हाल सुधारने की मांग की है। रतलाम जिले में अब तक करीब 10 इंच रिकॉर्ड बारिश हो गई है, जहां आलोट और ताल के शहरी क्षेत्र में बस्तियों में पानी भर चुका है। वहीं सभी नदी नाले उफान पर हैं। आलोट क्षेत्र का पान नगरा गांव, जो कि शिप्रा नदी के नजदीक बसा हुआ है, अचानक भारी बारिश होने की वजह से गांव पूरी तरीके से शहरी क्षेत्र में कट चुका है। रतलाम से रेस्क्यू टीम ने गाँव पहुंचकर सभी गाँव वालों को रेस्क्यू करते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं रतलाम जिले में कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है, जिसके चलते हर तरफ लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने प्रेस वार्ता के दौरान लगातार हो रही चोरी की घटना का बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, पुलिस ने आए दिन हो रही चोरी के चलते एक मां बेटे को गिरफ्तार किया है। बता दें, भट्टर कॉलोनी में हुई 2.25 लाख रुपए की चोरी के पीछे इन्हीं मां बेटे का हाथ था, जिसके चलते पुलिस ने
उक्त कार्रवाई करते हुए मां बेटे को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला पंजीकृत कर लिया है। एमपी के छतरपुर में विरोध के बाद अब कलेक्टर साहब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। यहां क्षेत्र भ्रमण के दौरान कलेक्टर मोहित मुंदस मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांवों की खराब सड़कों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। बता दें, छतरपुर जिले के विधायकों और राजनीतिकों के खुले विरोध के बाद अब डीएम साहब क्विक एक्शन में नजर आए और जनता के बीच जाकर क्षमा बांधते हुए दिखे तथा क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनकर उनको तुरंत ही समाधान करने के लिए कहा गया। मंदसौर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। अत्यधिक वर्षा के कारण जिले में कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन के द्वारा प्रभावित लोगों को आवश्यकता अनुसार शाला भवनों में ठहरने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें सभी शाला प्रमुखों को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वह सुनिश्चित करें कि शाला भवन खुले रहें तथा प्रभावित लोगों को शाला भवनों में ठहरने की व्यवस्था में सहयोग दें। शाला समय पश्चात भी ये व्यवस्था की जाए। शाला भवन की चाबी स्थानीय शिक्षक या किसी व्यक्ति के पास रहे तथा आवश्यकता होने पर शाला भवन खोला जा सके। डिंडोरे पुलिस का लाइन का आरआई का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो अपने नाबालिग बेटे से राइफल से फायरिंग करवाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो लगभग एक साल पुराना है, जो विजयदशमी पर्व का है। वीडियो में शस्त्र पूजा के बाद आरआई ने नियम कायदों को ताक पर रखकर सिर्फ अपने नाबालिग बेटे के हाथों से सरकारी राइफल थमा दी, बल्कि उससे फायरिंग भी करवाने लगे। ऐसे वीडियो के वायरल होने के बाद आईजी ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए। ये शायद पिछले दशहरे का है और इसमें बच्चे ज़्यादा चलाए जाने का दिखाई दे रहा है। ये निश्चित ही गलत है। इस संबंध में चूँकि जानकारी अभी आई है, इसमें जांच करवाते हैं कि किस स्थिति में इसे किया गया और फिर अगले उस पर अग्रिम कर जांच के बाद पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दमों में लगातार हो रही बारिश से जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार इन उफनाते पुलों को पार कर रहे हैं। मामला तेजगढ़ के गोरिया नदी का है। उफनाते पुल को पार करते समय वन विभाग की डिप्टी रेंजर बाइक समेत बह गया है। बताया गया है कि वे पुल पार कर रेंज जा रहे थे। पुल के पास खड़े लोगों ने बताया कि डिप्टी रेंजर बाइक के साथ नदी पार कर रहे थे, तभी अचानक उनकी बाइक अनियंत्रित होकर नदी में चली गई। बाइक समेत डिप्टी रेंजर बह गए। उन्हें बचाने पुल पर खड़े कुछ लोग नदी में कूदे, लेकिन उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। कश्ती करके जंगल से लौट रहे थे। एक गुरैया नदी के पास, नदी में लगभग 6 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे। हम लोग काफ़ी स्टाफ थे हमारे पास। आगे मोटरसाइकिल में अरविंद खरे जी चल रहे थे, नाकेदार थे वो। पन्ना लाल जी एक बनपाल थे, वो चल रहे थे और हम बिलोरे से चल रहे थे। वहाँ जब आया, देखा कि मुश्किल से नदी में 2-3-4 इंच से ज़्यादा पानी नहीं था। सभी लोग, गाँव के सभी लोग, काफ़ी बच्चे बूढ़े सभी निकल रहे थे हैं, परंतु ये पता नहीं कैसे अधबीचे जाके इनकी मोटरसाइकिल लड़खड़ा गई तो ये सीधे नीचे गिर गए। अब चूँकि नीचे काफ़ी बहाव था नदी में तो बह गए। हम लोग सब दौड़े उस समय, वहाँ पुलिस भी पहले से भी मौजूद थी, काफ़ी गोताखोर लोग भी दौड़े, मगर अभी तक मिली नहीं, इसकी हम लोगों ने थाना में भी सूचना दे दिया। छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा के महाराजा लालबाग के बादशाह की विदाई में भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। लालबाग के बादशाह की विदाई समारोह में लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ हिस्सा लेते हुए गणपति अपने गांव चले कैसे हमको चैन मिले के नारे लगाते नजर आए। इस चल समारोह में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया है। वहीं सुबह से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद लालबाग के बादशाह मोहन नगर के बादशाह की विदाई की गई। इस अवसर पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।
आगरमालवा जिले के भारी बारिश से हाहाकार मच गया है, जिसके चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर है। अधिकांश निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरीके से बेहाल हो गया है। जिले में अब तक 73 इंच बारिश हो चुकी है। अधिकांश गांवों और शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सोयत नगर लगभग पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। वहीं प्रशासन ने जिले के बदहाल व्यवस्था को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। कई जगहों पर बस्ती खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। विदिशा में राहतगढ़ के बिना नदी पर बना हुआ वाटर फॉल बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जहां पर हजारों की संख्या में रोज सैलानी इसको देखने के लिए आते हैं। जहां मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं, वहीं राहतगढ़ के वाटर फॉल पर प्रशासन की ओर से कोई भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। सैलानी बहुत ही करीब पहुंचकर वाटरफॉल का नजारा ले रहे हैं। किसी प्रकार कोई रोक टोक नहीं है, ना ही किसी प्रकार की सुरक्षा है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। हालांकि सैलानियों ने सुरक्षा के संबंध में प्रशासन से इसको लेकर शिकायत करी। आपको तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा उन्होंने बनाया नहीं है, मतलब जो भी यहाँ पर्यटक स्थल घूमने के लिए आते हैं तो मतलब ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। जिसको भी जहाँ पे मर्जी है वो बहुत घूमा रहा है। जहाँ भी बच्चों के लिए क्या है, काफ़ी वो व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं की है। रेलिंग वगैरह भी बनाई हुई है जो काफ़ी वो टूट चुकी है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा पर्यटक स्थल है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत प्रसिद्ध स्थल है और पानी का बहाव भी काफ़ी तेज है और ऐसा नहीं कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। तो गवर्नमेंट का ध्यान बिल्कुल भी इस तरह बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हो रहा है। काफ़ी यहाँ पर रेलिंग वगैरह लगाए या कोई गवर्नमेंट का कोई स्टाफ गवर्नमेंट को कोई एम्प्लॉय हो या खड़ा करें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।